मैं राकेश उपाध्याय वैष्णव चैनल से। अभी हम आए हैं गरीब बच्चों के लिए वस्त्र डोनेट करने रेड रिबन और एनएसएस के तत्वाधान में। हमारे साथ प्रिंसिपल सर डॉक्टर अवस्थी सर एवं मनीष दुबे सर और सेठी सर भी मौजूद है। और आइए अपन जानते हैं कि क्या इसका हलचल हो सकता है। बीच में प्राचार्य साहब मौजूद है। सर कैसा अनुभव कर रहे हैं आप सर बांटने पर? दो शब्द सर सर लाइव सर दो शब्द सर। जिंदगी का अपना अपना उद्देश्य है जी। ये उद्देश्य एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर हर व्यक्ति इस चीज़ को समझे तो हम सब मिलकर रहना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच में मनीष जी भी मौजूद है। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपको अनुभव हो रहा है आज? देखिए मानव सेवा ही मानव सेवा है। देख लो कपड़े आपके। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर परितोष जी अवस्थी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विगत कुछ वर्षों से ये पहल वैष्णव कॉमर्स कॉलेज में की है कि प्रतिवर्ष वे ऊनी और सामान्य वस्त्रों का कलेक्शन पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से करवाते हैं। और फिर ऐसे हमारे निर्धन बंधु जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें जाकर ये वितरित करवाते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई की ओर से। और राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई और रेड रिबन क्लब के द्वारा वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय की ओर से आज ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चैरिटी नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी जरूर ऐसे काम जो हम कर सकते हों हर किसी को करना चाहिए। और पिछड़े लोग या निर्धन बंधु बांधव जो हमारे हैं वह सब भी हमारे समाज का हिस्सा है। हम यदि किसी भी प्रकार से उनकी छोटी सी जरूरत को पूरा कर सकें तो हमें आगे आकर के उनकी मदद करनी चाहिए। और ये हमें किसी दिखावे के लिए या इसके लिए नहीं, अपने खुद की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। धन्यवाद मनीष सर का। धन्यवाद यहाँ पर और सेठी जी को ले। सेठी सर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सेठी सर क्या कहना चाहेंगे, आपके आनंद आ रहा है? एक अच्छा प्रयास है, छोटा सा प्रयास है। हमारी कोशिश है कि जो वंचित हैं जो कपड़े नए नहीं खरीद सकते उनको कपड़े देने का प्रयास है। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर पूरी रिपोर्ट के साथ। अभी गरीब बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो काफ़ी अलग तरीके का एक खुशी बयां कर रहा था। और इस पूरी न्यूज़ के साथ मैं प्रोफेसर राकेश उपाध्याय वैष्णव चैनल आज तक।